नमस्ते, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। आज है गणेश चतुर्थी का पहला दिन और हम बनाने वाले गणेश जी का प्रिय भोग मोदक। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने लिया आधा कटोरी मूंगफली, आधा कटोरी तिल्ली, ये है भूरा शक्कर से जो बनता है, ये नहीं है तो आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा डेसिकेटेड कोकोनट या खोबरा किस, ये है एक कटोरी, मैदा एक कटोरी, ड्राई फ्रूट में काजू, किशमिश, बादाम, कुछ इलायची है। उसके अलावा तेल है। सबसे पहले हम बनाते आटा। मैंने एक कप आटे को एक बाउल में डाला है, उसमें डाला है एक पिंच नमक और 1/4 टीस्पून जितना शक्कर डाला है। ये डालने से ऊपर का जो लेयर है टेस्टी रहेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करके, ये है मोयन, ये डालने से ऊपर का लेयर क्रिस्पी रहता है, टेस्टी रहता है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैं हाथ से मिक्स करूँगी, हाथ से मिक्स करने से ज़्यादा अच्छे से मिक्स होता है। हमें इन्हें हाथ से अच्छे से मिक्स करके चेक करना है कि ये मुट्ठी बन रहा है कि नहीं। ये मुट्ठी बन रहा है, इसका मतलब मोयन परफेक्ट है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका नरम आटा बना लूँगी। नरम आटा बना के इसको मैं रखूँगी साइड में। साइड में रख के अब हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। अब मैंने रखा है एक पैन, पैन में डाला है आधी कटोरी मूंगफली, डाल के इन्हें मैं अच्छे से भून लूँगी। भून के इसे मैं निकाल के साइड में रखूँगी। सेम इसी पैन में फिर मैं तिल्ली को डाल के भूनूंगी। तिल्ली बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए ध्यान रहे धीमी आंच पे ही इन्हें हमें भुनना है। तिल्ली भी ऑलमोस्ट भुन गई है, अब मैं इन्हें भी निकाल रही हूँ। ये मोदक में मैं तिल्ली, मूँगफली और डेसिकेटेड कोकोनट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो मावा, खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों चीज़ भुन गई है, ठंडी हो गई है। मैंने मूँगफली का छिलका उतार लिया, इसे दरदरा ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड हो गया, अब मैं इसे निकाल रही हूँ एक बाउल में। बाउल में निकाल के अब मैं सेम इसी जार में तिल्ली को भी ग्राइंड करूँगी, इसे भी मैं दरदरा ही ग्राइंड करूँगी। ये भी ग्राइंड हो गया, अब इसे भी मैं डाल रही हूँ सेम उसी बाउल में। अब मैंने डाला है खोबरा किस, डेसिकेटेड कोकोनट, ये एक कटोरी है, और ये है भूरा, भूरा आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप एक कटोरी भी डाल सकते हो। डाल के सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ काजू, इसको मैंने एकदम बारीक चॉप किया है, फिर बादाम, किशमिश, अब कुटी हुई इलायची डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। हमारा स्टफिंग बनके रेडी है। ये स्टफिंग आप बना के रख सकते हो, जब आपको गणेश जी के लिए भोग बनाना है मोदक का, तब आप इसको भर के बना सकते हो। ये आप 15 दिन तक भी रख सकते हो, ख़राब नहीं होता है। अब ये बन गया, इसे मैं रख रही हूँ साइड में। अब हम बनाते हैं मोदक। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया, एकदम नरम हो गया। अब मैं इसके बना रही हूँ लोइया, छोटे छोटे, जिस साइज़ के आपको बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोइया बना लेना। मैं मीडियम साइज़ का बनाने वाली हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। सारे आटे के बॉल बन के रेडी हैं, अब हम बनाते हैं इसके मोदक। मैंने एक आटे का बॉल उठाया है, अब उसे मैं पतला बेल रही हूँ। हमें बेलते समय ध्यान देना है, साइड से हमें पतला करना है, बीच से बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला, मीडियम रखना है। अगर मोटा रहेगा तो ऊपर से क्रिस्पी नहीं रहेगा, और बहुत ज़्यादा पतला रहेगा तो फट जाएगा स्टफिंग डालने के बाद। मैंने रोटी बेल की, उसमें डाल दिया 1 स्पून स्टफिंग, और किनारे से उठाते हुए इस तरीके से हमें बीच में लेकर आना है सारी चीज़ को। इस तरीके से ला के, जैसे पोटली होता है, ला के बीच में जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हम लोग निकाल देंगे, अदरवाइज़ ऊपर से मोटा रहेगा और शेप परफेक्ट रहेगा। जितना एक्स्ट्रा आटा था उसे मैंने निकाल लिया है। निकाल के आप देख सकते, बन गया मोदक, एकदम परफेक्ट शेप है। अगर आपसे ऐसा नहीं बनता है तो आप मोदक बना लेना, उसके बाद फॉक से, जो काटा स्पून होता है, उसके किनारे से हमें हल्के से दबाते हुए इसे प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, अदरवाइज़ मोदक फट जाएगा। हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए इसे शेप देने से ये भी बहुत सुंदर दिखता है, विदाउट एनी साँचा, बिना साँचे के ये भी बन गया। इसी तरीके से मैंने सारे मोदक बना लिए। तेल भी गर्म हो गया, तेल को मैंने गर्म किया है, फिर उसके बाद गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे ही पहले हमें इन्हें फ्राई करना है। मैंने एक बार में जितने आते उतने मोदक डाल दिए हैं। डाल के अब मैं इन्हें तब तक नहीं पलटूंगी जब तक कि ये अपने आप ऊपर नहीं आते, मतलब नीचे से सिक के ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे। ये सिक के ऊपर आ गए हैं, अब मैं इन्हें हल्के हाथों से पलटूंगी। पलट के अभी भी मैं उन्हें नहीं चलाऊंगी तब तक कि जब तक नीचे से ये अच्छे से सिक ना जाए। एक बार जब ये नीचे से सिक जाएंगे, उसके बाद मैं पलटते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई करूंगी। ये मोदक आप बना के एक हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हो। इन्हें मैंने पलट दिया, इसी तरह पलटते हुए मैं गोल्डन ब्राउन होते तक इन्हें फ्राई करूंगी। ये मोदक बहुत टेस्टी है, गणेश जी के बहुत ही पसंदीदा है। गणेश चतुर्थी है तो हर घर में मोदक बनता ही है। आजकल मोदक कई तरह के बनते हैं, चॉकलेट मोदक, मावा मोदक, स्टीम मोदक, ये भी एक मोदक का रेसिपी है जो बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है।
अब मैंने ये मोदक फ्राई हो गए, इन्हें निकाल लिए। निकाल के इसी तरीके से मैं बाकी सारे मोदक भी फ्राई करूँगी। ये मोदक ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप भी ये मोदक बनाइए, गणेश जी को भोग लगाइए, आप भी खाइए और बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।